हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रीट फूड स्टाइल बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी स्ट्रीट फूड फेमस रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो मैंने ले लिए हैं सोया चंक्स, और ये बड़े वाले सोया चंक्स हैं, और आपको यही बड़े वाले लेना है तभी जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और दिखने में भी बहुत अच्छी बनेगी। तो जो सोया चंक्स हैं उनको मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया है, और 5 से 10 मिनट के लिए सोया चंक्स को बहुत अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जितना भी इसके अंदर केमिकल होगा वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक डालने से सोया चंक्स अच्छे से नमक को सोख कर लेंगी तो थोड़ी सी नमकीन हो जाएंगी। तो मैं पानी निकाल लिया था और थोड़ा सा पानी मैंने चंक्स के अंदर रखा हुआ है क्योंकि रेसिपी में थोड़ा सा पानी ज़रूरी है। तो ये मैंने 2 चम्मच ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और 2 चम्मच भर के मैंने ले ली है मैदा। तो दोनों को आपने 2-2 चम्मच ले लेना है, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो ले लेना है। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर के सेजवान चटनी, और अब उसके बाद मैंने डाल दी है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगी तो मैं हाथ से मिक्स कर दूंगी। तो आप देखिएगा कि कलर इतना अच्छा आएगा, और जो चंक्स हमने लिए हैं सोया के इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो जो लोग वेज हैं उनके लिए तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्सेज है। तो आप लोग अपने खाने में प्रोटीन के लिए सोया को ज़रूर ऐड कीजिए। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से सोया को कोट कर लिया है, और 10 मिनट के लिए इसी तरीके से मैरिनेट करके इनको रख के छोड़ देना है। जब तक सोया हमारी मैरिनेट हो रही है तो मैंने ले ली है सब्जियां। लहसुन को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, 2 प्याज, शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची, बस इतनी ही सब्जी हमें ले लेनी है। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है ज़्यादा सा ऑयल, क्योंकि जो चंक्स हमने मैरिनेट करने के लिए रखे थे उनको फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम आपने हाई रखना है, क्योंकि जो चंक्स हैं अगर हम उनको कम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो उनके अंदर ऑयल चला जाएगा और क्रिस्पी नहीं होंगे। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है उसको आपने हाई रखना है, और एक एक चंक्स को डाल देना है, वरना चंक्स एक दूसरे के गले मिल जाएंगे। इसलिए एक एक करके आपने डाल देना है। और देखिए चंक्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कुक रहती हैं, तो बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाती हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है, मैंने प्लेट पर निकाल के रख ली हैं। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल कम किया, उसके बाद मैंने डाल दिया है जो छोटा छोटा लहसुन था वो, और इसमें डाल दी हरी मिर्ची। तो जितना तीखा आप खाएँ उतना हरी मिर्ची ले लें, और ऑनियन को भी डाल दिया है मैंने। आप इस तरीके से ही ऑनियन को कट करें, और डाल दी है मैंने शिमला मिर्ची। गैस की फ्लेम आप हाई रखें, हाई फ्लेम पर सारी सब्जियों को क्रंची होने तक आपने फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसमें सब्जियां क्रंची अच्छी लगती हैं, और ये है वाइट तिल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो सब्जियां जैसे ही हमारी 70% तक कुक हुई उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली सॉस, और ये है ग्रीन चिली सॉस। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी केचप। तो आप देख सकते हैं जितने भी सॉसेज हैं वो मैंने सारे ऐड कर दिए, और थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर भी डाल दिया था, वीडियो थोड़ी सी कट हो गई है। तो सारे सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है, कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। तो आप देख सकते हैं सॉसेस का कलर चेंज हो गया है। तो मैंने ले लिया था 1 कटोरी पानी में कॉर्नफ्लोर घोल लिया था, जिससे जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो अच्छी सी थिक बनेगी। तो अब इसमें बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में रेड कलर लाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर, जो हमेशा रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड पे जब भी आप खाते हैं चिली
पनीर, चिली, सोया चंक्स, मंचूरियन, जो भी चाइनीज़ आइटम आप खाते हैं उसमें यही वाला कलर होता है। अगर आपके पास कलर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप डाल लें, तो बिल्कुल स्ट्रीट फूड की तरह आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया था और जो चंक्स हमने फ्राई किए थे वो इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। मैं थोड़े से ग्रेवी वाले चंक्स बना रही हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि चिली सोया चंक्स रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और जब हम बाहर खाने के लिए जाते हैं तो यही वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो मैंने रोस्टेड तिल डाल दिए हैं और फ्रेश हरा धनिया। तो आप लोग इस रेसिपी को घर पर बनाकर खाइए, बाहर नहीं जाना है अभी बारिश के टाइम पे, तो रेस्टोरेंट में इतना महंगा मिलता है, घर पर हम इसको सिर्फ 20 रुपए में बनाकर तैयार कर लेंगे। बाय दोस्तों।